मैं अतुल ढाले भैया को आमंत्रित करता हूँ। अतुल भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं आपका छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ। भैया प्रोफेसर है एट डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में, और भैया लंबा भी 2-3 साल या उससे ज़्यादा भी मतलब यूएच कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। और इनफैक्ट भैया के साथ में मतलब हम दोनों एक ही कॉलेज में लगभग 15-20 साल से ज़्यादा साथ में हमने काम किया है। बाद में फिर कॉलेज चेंज हुआ, लेकिन जिस तरह से भैया ने यूएचयू कंटेंट को साथ में जुड़ते हुए अपने जो बदलाव किए, क्योंकि पहले जैसे मैंने शेयरिंग किया भैया मतलब उनका वर्किंग बहुत ही अच्छा है, और शायद वो सभी से इसी तरह का वर्किंग एक्सपेक्ट करते थे। तो थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टनेस की तरफ थे, लेकिन मैंने भी देखा कि यूएचवी कंटेंट के साथ में जुड़ते हुए भैया मतलब वर्किंग उतना ही है, लेकिन अभी उनका जो दूसरों की तरफ जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हुए, और भैया ने भी वो शेयरिंग किया हुआ है, तो ये काफ़ी सुखद बात है। तो भैया ऐसे अपने अनुभव आज भी शायद शेयर करेंगे, तो ओवर टू यू अतुल। भैया प्रणाम। हेलो, प्रणाम हाँ हाँ जी भैया, आवाज आ रही है आपकी। कुमार भैया। आ रही ना? नमस्ते। हाँ, मैं जैसे, हाँ नमस्ते नमस्ते। जैसे यशवंत भैया ने मेरा परिचय दिया, मैं अतुल देवीदास राव ढाले, प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, SVKM's, डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विले पार्ले, मुंबई में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिता, भाई, बहन, पत्नी और दो प्यारी बेटियां हैं। मेरा मानवीय मूल्य का प्रवास मई 2020 में चालू हुआ, और वो भी बड़े योग सहयोग से। कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घर पे ही थे, जो भी काम चालू था वो घर से ही होता था, उसी दौरान मुझे ICT से VHV वर्कशॉप का एक मेल आया था, और मैंने बाकी SRTP वेबिनार सारी का उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन जब वो वर्कशॉप के कंटेंट सुना, तभी लगा कि ये कंटेंट खुद में वेरीफाई कर सकता हो, और इसलिए वो फर्स्ट वर्कशॉप का अनुभव मेरा बहुत ही सुखद था। लेकिन जैसे ही कॉलेज चालू हुआ और उस समय सभी ऑनलाइन था, तो उसका प्रिपरेशन एक अलग था, उसमें वक्त जाने लगा और UHV का ध्यान कम हो। लेकिन फिर मैंने February 2020 में Refresher 1 Part 1 ज्वाइन किया। वो कंप्लीट होने के बाद वीकली मीटिंग्स ज्वाइन करना चालू किया, और उमेश भैया के सेशन से समझ बढ़ने लगी। तभी उनकी सूचना मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रही। फिर मैंने January 2022 में Refresher 1 Part 2 ज्वाइन किया, उसमें कंटेंट की और बारीकी से ध्यान जाने लगा, और मेरे प्रति मेरी क्या भागीदारी है वो ध्यान जाने लगा। और फिर जितना भी पॉसिबल है उतना वॉलेंटियरिंग का काम करने की कोशिश करने लगा। उसके बाद जब पुणे में April 2022 में कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, और वहां पे मुझे पता चला कि VHV में जो भी बोला जाता है वो सिर्फ बोला नहीं जाता, तो जिया भी जा सकता है। वहां पे कुमार भैया, उमेश भैया को मिलने का अवसर मिला, और उनके साथ 3 दिन रहकर लगा इसे में जीवन इतना सरल जिया जा सकता है। जो फर्स्ट वर्कशॉप के दौरान एक आइडियल लगता था, वो ये लोग जीवन जी रहे हैं, और उसके कारण मुझे और एक प्रेरणा मिली। और उसी दौरान अश्वन भैया से भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ, और उसमें एक बात भैया ने कही थी कि उन्होंने कुछ बाथ सोप यूज करना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भी ये चेक कर सकता हूँ, और जब 4, 5, 8 दिन, 15 दिन मैंने यूज नहीं किया, तो तभी लगा कि सही में ये यूज नहीं भी किया तो चल सकता है, और आज तक मैं अभी वो यूज नहीं कर रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुनः कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने मॉर्निंग सेशन के लिए नाम दिया और खुद को और एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और प्रयास करता रहा। मेरा ये चौथा मॉर्निंग सेशन है, और एक बार UHV 3 सेशन भी किया। इस बार मुझे लगता है कि मेरी समझ थोड़ी और बढ़ी, मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका मिला। वैसे मैं बहुत ही
कम प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आप सभी के लोगों के प्रश्न से मेरी समझ और बढ़ती है। अभ्यास एक में अगर मैं देखता हूँ तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास किया। जब यह अभ्यास शुरू हो किया तब इतनी तो समझ हो गई कि कल्पनाशीलता अपने में निरंतर चलती है, लेकिन कभी उसे देख सकते हैं और कभी नहीं। लेकिन कल्पनाशीलता को देखने का खास प्रयास किया तो वो अभी देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे देख पाता हूं कि मेरी कल्पनाशीलता एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती है। लेकिन अभी एक चौथे मॉर्निंग सेशन के कारण कुछ मेरे ध्यान की वस्तु को खुद ही मेरे अवेयरनेस में तय करना हो, लेकिन कुछ समय मेरे अवेयरनेस के बिना ही तय होती है, लेकिन उसका प्रयास प्रमाण कम हुआ है। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरी इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखो। जब भी किसी से सहमति नहीं होती तभी पता चलता है कि मेरे भाव बदल रहे हैं, और उस समय कुछ मैं डिस्टर्ब होता हूं। अभी हर वक्त ये मैं देख सकता हूं, जब भी अपोजिशन के भाव है तो मैं देख सकता हूं, लेकिन तभी ध्यान जाता है कि ये अपोजिशन के भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उस समय मैं आराम में नहीं रह पाता, संगीत में नहीं होता हूं। और इसे ये भी देख सकता हूं कि जो भी भाव विचार चल रहा है वो संबंध का हो या अपोजिशन का, उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। कोई भी बाह्य परिस्थिति या कोई भी दूसरा व्यक्ति ये निर्णय नहीं लेता, ये निर्णय अपना खुद का ही होता है। ये भी मैं अभी समझ पा रहा हूं। मेरे अपने में भाव विचार चलते रहते हैं, उसका निर्णय सही समझ के आधार पर लेना चाहिए, ये समझ पाता हूं। लेकिन हर वक्त जो भाव विचार चलते हैं उसका निर्णय हर समय सही समझ में नहीं ले पाता। उसके लिए मुझे अपने काम में और अपने आप में और काम करना है, करने की आवश्यकता है, और वो करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा ताकि मैं आराम में, संगीत में और सुखी रह पाऊं। मैं मेरे जीवन के बदलाव के बारे में बात करूं तो मुझे इतना तो अभी समझ में आया है कि मैं हर मानव के साथ संबंध में हूं। मैं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, और ये संबंध को समझना और समझ के साथ जीने की आवश्यकता है। इस मॉर्निंग सेशन के कारण मैं सजग रहता हूं। घर में कभी मेरे विचार के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो मुझे अभी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। यही पहले यानी 2 साल पहले मेरा इरिटेशन बहुत ज्यादा होता था। फिर 2-3 दिन या इवन कभी कभी 4-5 दिन पत्नी के साथ बातचीत बंद हो जाता था, लेकिन अभी मैं देखता हूं कि मेरा इरिटेट होना बहुत ही कम हुआ है। और बातचीत बंद होने का वक्त लास्ट 2 साल में अभी तक कभी आया नहीं, बल्कि अभी संभाषण होने लगा। और संभाषण के वक्त जब भी विरोध का भाव आता है तो मैं देख सकता हूं, और मैं इरिटेट हो रहा हूं ये भी देख सकता हूं, और फिर मैं प्रयास करता हूं कि सही क्या है वो समझने का। और फिर विरोध का भाव थोड़ा कम होता है और आगे मैं और संभाषण कर पाता हूं। बहुत बार मेरी बड़ी बेटी 12th में है अभी, वो मुझे बहुत बार बोलती है कि छोटी बेटी खेलने के लिए जब नीचे जाती है और वो लेट आती है तो आप उससे चिल्लाते नहीं, लेकिन उसको याद है कि वो जब छोटी थी तो उसको मैं चिल्लाता था। तो थोड़ा मेरे में चेंज आया है और वो PHV के कारण ही आया है। और अगर उदाहरण दूं तो मैं मुंबई में रहता हूं और मैं लोकल ट्रेन में डोंबिवली से विले पार्ले तक प्रवास करता हूं, तभी उस दौरान भी मैं ये देख सकता हूं कि किसी का कुछ धक्का लगता है या अंदर घुसने के लिए लोग
धकेलते हैं, तो उस समय मेरे भाव कैसे बदलते हैं। मैं 2 साल पहले, मुझे इन चीजों का बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मॉर्निंग सेशन के कारण, जो मैं अप्रोक्सीमेटली 6:15 को ज्वाइन करता हूँ और 7:30 को सुनता हूँ, और उसके बाद में मैं 7:45 या 8 o'clock निकलता हूँ, तो वो कंटेंट सुना हुआ रहता है, तो मुझे वो वेरीफाई करने का भी एक मौका मिलता है। और इसके कारण मैं अभी मेरा इरिटेशन इवन ट्रेन में भी कम हो गया, मुझे गुस्सा आना कम हुआ और मैं बहुत सारा आनंद में सफर होने लगा। इतना ही नहीं, कॉलेज में भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स में मेरे भाव कैसे हैं ये देखने की आदत सी हो गई। जब भी मेरे सोच के विरुद्ध कुछ होता है तो मेरे भाव कैसे हैं, मेरे फेवरेबल अगर कुछ होता है तो मेरे भाव कैसे हैं, ये मुझे दिखता है। लेकिन मैं ये भी देख पाता हूं कि मेरे सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, पूरी तरह से मैं 100% मैं ही जिम्मेदार हूं। और इसके लिए मैं प्रयास करता कि अपने में परिमार्जन हो, सुधार हो, मेरे सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार न बनाए। मुझे समझ में आया कि जो भी निर्णय लेना है वो समझ के आधार पर होना चाहिए, ना कि मान्यता के आधार पर। लेकिन जो 40-45 साल के संस्कार हुए हैं, तो वो डेफिनेटली 4-5 साल में पूर्णतः नष्ट होना मेरे लिए आसान नहीं। लेकिन मैं ये देख पाता हूं कि जब समझ के आधार पर भाव का निर्णय करता हूं, तो वो सही सहज भाव का निर्णय कर आराम में रह सकते हैं, और जब मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करता हूं, तो यह निश्चित नहीं होता कि आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। और इसलिए अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं और उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है, ये मैं समझ पाता हूं। इसलिए संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को अच्छी तरह से समझना और उसको देख पाना ये मेरी मूलभूत आवश्यकता है, और इसलिए मैं उसको देखने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी निर्णय पूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर सुखी होने का प्रयास करता हूं, लेकिन हर क्षण ऐसा सुनिश्चित नहीं कर पाता। संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को संपूर्णतः समझने के आधार पर मेरा भाव सहज रूप से संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में रहे और ये मैं निरंतर सुखी रहूं, इसका मैं प्रयास करता हूं। अभ्यास 2 के बारे में अगर बात करें, मैं और शरीर के बीच होने वाला आदान प्रदान को देखना। मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकता है, ये तो मैं अभी देख पा रहा हूं। उन दोनों की जरूरतें भी अलग अलग, और ये भी मैं देख पा रहा हूं, मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये देख सकता हूं। शरीर को एक साधन के समान उपयोग करता हूं, जो भी करना है उसके लिए मैं शरीर को सूचना देता हूं और शरीर से करवा लेता हूं। शुरुआत में ऐसा लगता था कि शरीर में जो संवेदना होती वो कभी कभी पढ़ पाता था, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में होने वाली बहुत सारी संवेदना को पढ़ रहा हूं। बाद में ये भी पता चला कि शरीर को संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय मैं ही लेता हूं। सूचना के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह मेरा है, और इसमें ये भी समझ में आया कि मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूं, साधन की तरह प्रयोग करता हूं। मैं और शरीर के बीच दूरी है, ये भी मैं समझ चुका हूं और देख भी सकता हूं। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव संवेदना के रूप में
शरीर पर पड़ता है, इन संवेदनाओं को पढ़ना है या नहीं, इसका निर्णय मैं करता हूं। मैं संवेदना का आस्वादन करता हूं, मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूं। यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है और इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या यह मान्यता आपके आधार। अभी तक इतनी समझ हो गई कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी अनुक्रिया को देखना चाहिए, लेकिन आज तक वो स्वभाव नहीं बन पाया और इसलिए इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और इसमें निरंतर काम करना चालू है। मुझे बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संस्कार कुछ मान्यता और कुछ समझ पर आधारित है और इसलिए मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं। लेकिन इतना है कि चौथे मॉर्निंग सेशन के बाद सुख की स्थिति का प्रमाण बढ़ा है और वो जो ऑलमोस्ट 60-70% मैं बोल सकता हूं कि मैं सुखी रहता हूं और इसलिए मैं ये प्रयास करता रहूंगा कि मेरे निर्णय सही समझ के आधारित होने चाहिए, ना कि मान्यता के आधारित। मेरा होना, शरीर का होना, ये सब शून्य में है और शून्य के सह अस्तित्व में है, ये समझ में तो आया है लेकिन व्यवहार में आना अभी बाकी है और इसलिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि ये मेरा आप सभी से वादा है। सुख स्वभाव है या प्रभाव, ये सुख स्वभाव है, इसकी क्लैरिटी तो हुई है लेकिन उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए अपने भाव सही समझ के आधार पर होना जरूरी है और उसके लिए हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटा मैं के अर्थ में कोशिश करता हूं। मेरा कमिटमेंट देखा जाए तो मैंने जैसे बोला कि मेरे स्वयं के समझ के लिए मैं हर पल ये देखने का प्रयास करता हूं कि मेरे भाव विचार कैसे हैं। मैं हर दिन मॉर्निंग सेशन में ऑलमोस्ट 1.5 आवर मैं मेरा समय देता हूं और इसके अलावा हमारे मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे ऑलरेडी ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज 2 क्रेडिट कोर्स 2021 से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और उसमें भी मैं प्रयास करता हूं, मुझे मैं कन्वेनर भी हूं उस कोर्स का। तो हर सेमिस्टर और हमने हमारे पास ऑलमोस्ट 17 डिवीजन है तो इसलिए हमने डिवाइड किया है कि 8-9 डिवीजन एक सेमिस्टर में और इवन और ऑड में, तो होल ईयर ये कोर्स चलता है और मैं ये प्रयास करता हूं कि इस कोर्स का 1-2 डिवीजन मैं लेता हूं और जिसके कारण मैं पूरे कंटेंट से भी जुड़ा रहता हूं और उस कंटेंट डिलीवरी में मुझे बहुत कुछ मेरे में परिमार्जन हो रहा है क्योंकि उस कंटेंट से कंटिन्यूअसली जुड़ने के बाद मैं हर बार देख पाता हूं कि ये कंटेंट मेरे कैसे यूजफुल है। और मैं खास करके गणेश जी, कुमार भैया, शर्मिला दीदी, उमेश भैया, यशवंत भैया, विनय भैया, अर्पिता दीदी, निधि दीदी और सभी को एक्सप्लोरर को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी भैया, आवाज आ रहा है, क्लियर है सर। ओके ओके, तो धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को जी। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही। अतुल भैया ने जिस विस्तार से बताया एक बिंदु पर कैसे उनका ध्यान गया है और उसको जीने से जोड़कर बहुत सारे उदाहरणों के साथ रखा और जो बारीकी से वो देख पा रहे हैं अभी और जो शिफ्ट ले पा रहे हैं अपने भाव विचार में भी और जौहर में भी, ये प्रशंसनीय है। अतुल भैया, अभी आपकी क्या भागीदारी हो पा रही है भैया? मैं
हेलो। जी हाँ प्रयाग, भैया, तो हाँ सुनाई आवाज दे रहा है? क्लियर। हाँ जी आ रहा है। हाँ हाँ भैया, मेरी भागीदारी तो फिलहाल मीन्स मेरे में, और मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करता हूँ और कभी रजिस्ट्रेशन का काम करता हूँ, लेकिन बहुत बाकी के चीजों के लिए मुझे समय नहीं। लेकिन कॉलेज में मैं डेफिनेटली स्टूडेंट। आवाज रुक गई आपकी। हाँ हाँ भैया, हाँ मेरा कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज में तो मैं 2-3 घंटा इसमें व्यतीत करता हूँ क्योंकि वो करिकुलम में है। तो लेकिन आप वो बता रहे इसमें थे कि पूरा अपने कोर्स में भी आप एक दो मॉड्यूल ही पढ़ाते हैं ना, पूरा कोर्स नहीं पढ़ा पाते हैं? पूरा कोर्स पढ़ाता हूँ, पूरा कोर्स पढ़ाता अच्छा मीन्स हाँ, जो जो हमारे टोटल 17 डिवीजन है उसमें हम लोग 8 और 9, उसमें से एक दो डिवीजन में लेता हूँ मीन्स। अच्छा अच्छा ओके हाँ ओके, तो पूरा अलग कोर्स दो पढ़ा। मॉड्यूल थे। हाँ और आपके कॉलेज में सेल्फ फंडेड वर्कशॉप्स हुए हैं क्या? नहीं भैया, वो इस बार करना है एक्चुअली। हमने इसके लिए अटल के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो शायद हुआ ही नहीं कुछ, तो सेल्फ फंडेड मुझे इस बार करना है। नहीं, अटल तो एक अलग मोड है, हाँ आप सेल्फ फंडेड के लिए। आपका कॉलेज कहाँ पे है? अच्छा, विले पार्ले मुंबई। मुंबई में। बढ़िया। हाँ तो मतलब मुझे लगता है कि जिन लोगों को कॉलेज से बाहर समय कम मिल पा रहा है, फिर वो कॉलेज को नोडल सेंटर बनाने के लिए काम करें। तो आपके यहाँ सेल्फ फंडेड वर्कशॉप्स हो, बच्चों के साथ इंटेंसिव काम हो, मैनेजमेंट के साथ, फैकल्टी के साथ काम हो, और आप अधिक से अधिक फैकल्टी और मैनेजमेंट के साथियों को इनकरेज करें, वर्कशॉप करें, इवन स्टाफ को भी इनकरेज करें। तो अगर कॉलेज में व्यस्तता ज्यादा है, कॉलेज से बाहर समय कम मिल रहा है, तो फिर कॉलेज में इंटेंसिव काम किया जाए। जी जी भैया जी, जी पकाउ। और अभी तो मुंबई में एक बड़ी टीम भी है, महाराष्ट्र में हाँ भी एक बड़ी टीम है ना, तो आप उनके साथ जुड़कर, और आप किसी टीम में हैं अभी, कहीं मेंटरिंग हो पा रही है आपकी किसी टीम में? हाँ मैं मींस इसमें ज्वाइन करता हूँ वीकली मीटिंग्स में, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, मैं क्योंकि अच्छा मैं अच्छा जुड़ उमेश नहीं भैया से पाता जरा हूँ। बात कर ले, उमेश भैया की वीकली मीटिंग एक टीम डेवलपमेंट की होती होगी, उसको आप हाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जी भैया जी। जी बढ़िया रहेगा भैया। तो मुझे लगता है जिन लोगों का अभ्यास के बिंदु पर ध्यान जा रहा है, अब वो भागीदारी वाले भाग पे ठीक से ध्यान दें, ताकि क्षण क्षण में अपना मूल्यांकन हो, नहीं तो फिर वो भाव से लौट के हम विचार में आ जाते हैं और फिर वो ज्यादा गति नहीं होती। तो अगर भागीदारी करें और नियमित रूप से मिलना जुलना बात करना होता रहे, तो अपनी गति बनी रहती है। बढ़िया भैया, शुभकामना आपको, बधाई। जी भैया, धन्यवाद धन्यवाद।